मुख्य चीज़ जो विधि की है, जो उसका मिस्टीरियस पार्ट है, वो कहते कान को बंद करके और अपने जो गुदा है, एनल है, उसको खींच कर, यानी मूल बंद, साउंड को सुने। और वो कहते हैं कि वो आपके उस द्वार से निकल जाती है ध्वनि, खो जाती है। तो इस पॉइंट को आप एक मिनट में भी पकड़ सकते हैं, दो मिनट में भी, पाँच मिनट में भी, कभी भी, कि क्या हमारे अंदर ध्वनि की अवस्था क्या होती है, क्या कोई बदलाव होता है ध्वनि में। तो पहले तो केवल कान बंद करके सुने अंदर की ध्वनि, फिर दोनों पार्ट करके उस ध्वनि को सुने, तो हमको कुछ अंतर दिखाई देगा। अगर वो अंतर पकड़ में आता है तो फिर विधि में जाया जा सकता है। कोशिश करेंगे, देखिए हर विधि सबके लिए होती भी नहीं है। इन विधियों पर चर्चा करने का बस उद्देश्य ये है कि हम ओवरव्यू ले सकते हैं सारी विधियों का और थोड़ा थोड़ा प्रयोग भी कर सकते हैं। कौन जाने कब विधि किसी को स्ट्राइक कर जाए। तो हर विधि सबके लिए नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के आगे चले जाना है। विधि पर बहुत अटकना नहीं है, कुछ थोड़ा हाँ, लेकिन उसको एक बार ट्राई कर लेना अच्छा है। जैसे हम बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करते हैं, बहुत सारी डिशेज ट्राई करते हैं, तो ध्यान की भी बहुत सारी डिशेज हैं, तो ट्राई करते रहना चाहिए कि पता नहीं किसमें क्या नई चीज़ हो जो हमारे काम की हो। और दूसरा जो पार्ट इसका है, मसल्स को पुल करने का, वो देखा जाए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। और वो एक्सरसाइज अगर किसी ने यंग टाइम से ही करी हुई है तो बहुत, ध्यान तो अलग छोड़ दीजिए, ध्यान की अवस्था, वो बहुत सारे अपने शारीरिक समस्याओं से मुक्त हो सकता है। जितना भी रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे फ्री हुआ जा सकता है। लेटर एज में खास तौर से महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो मसल्स हैं वहाँ की, यूरिनरी ट्रैक्ट की या उस सारे एरिया की, वो लूज होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। तो बहुत सारे लोगों को बाद में लेटर एज में यूरिन होल्ड करने की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर किसी ने एक्सरसाइज करी हुई है तो ऐसी प्रॉब्लम उसको आनी ही नहीं कभी। तो उस पार्ट से भी ये अच्छा है। तो कभी कभी विधियों के पूरे स्ट्रक्चर को ना भी लिया जाए तब भी उनसे कोई बड़ी काम की चीज़ निकाली जा सकती है जो हमारे बड़े काम की हो सकती है।